वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम कंपनी लॉ के स्प्रिंग 2022 की अटैम्प्ट से पास्ट एग्जाम के एम सी क्यूज डिस्कस कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन यह है कि चारकोल लिमिटेड हैज़ परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज हंड्रेड मिलियन फ्रॉम फिशिया प्राइवेट लिमिटेड फॉलिंग इन्फॉर्मेशन दिस रिस्पेक्ट आर अवेलेबल फिफ्टी परसेंट पेमेंट विल बी मेड टू एफ पी एल ऑन फिफ्टी मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बाय ऑप्टेनिंग अ बैंक लोन द लोन विल बी सिक्योर्ड अगेंस्ट मॉडगेज ऑफ सी एल्स फैक्ट्री बिल्डिंग

सो so, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार तो मॉडगेज ओवर सीएल फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लेज ऑफ सील्स ऑर्डनरी शेयर ऑर्डनरी शेयर जो है वो कंपनी का एसेट नहीं है वो तो एक डायरेक्टर का एसेट है तो अगर उसका प्लेज डायरेक्टर ने करवाया तो कंपनी के एसेट्स का जब कोई प्लेज मॉडगेज या चार्ज होता है तो वो रजिस्टर्ड करवाने होते हैं बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अकॉर्डिंगली Uh, इसमें से ऑर्डनरी शेयर्स वाले को हम गलत कंसीडर कर लेंगे फिर है बी पार्ट के मॉडगेज ओवर सीएल्स फैक्ट्री बिल्डिंग एंड चार्ज ओवर सील्स इन्वेंट्री ये करेक्ट है क्योंकि इसमें दोनों आइटम कंपनी के एसेट्स हैं सी है कि मॉडगेज ओवर सीएल फैक्ट्री बिल्डिंग ओनली तो इसमें इन्वेंट्री मिसिंग है और फोर है कि मॉडगेज ओवर सीएल फैक्ट्री बिल्डिंग प्लेज ऑफ ऑर्डनरी शेयर एंड चार्ज ओवर सीएल इन्वेंट्री ऑर्डनरी शेयर्स जो हैं वो नहीं होंगे क्योंकि ये कंपनी का एसेट नहीं है सिंपली so आपने उन एसेट्स के मॉडगेज चार्ज और प्लेज को कवर करना है जो कंपनी के हों अगर किसी और के ऑनरशिप की चीजें हैं तो वो कंपनी को ऑब्वियसली रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन टू देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज रजिस्टर ऑफ मॉडगेजेज एंड चार्जेस अच्छा इसमें डिफरेंट है कि जी ओनली अ मेंबर और अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी कैन इंस्पेक्ट विदाउट फी तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि मेंबर और क्रेडिटर ऑफ द कंपनी तो विदाउट फी कर सकते हैं लेकिन और लोग भी कर सकते हैं इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अच्छा इस पर सेक्शन देख लेते हैं सेक्शन 112 है कि रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन एंड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी मॉडगेज और चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ शेल बी ओपन इंस्पेक्शन ऑफ एनी मेंबर और क्रेडिटर ऑफ द कंपनी विदाउट फी और कोई और पर्सन भी देख सकता है यानी मेंबर और क्रेडिटर को विदाउट फी कोई और पर्सन होगा तो उन्हें फी पे करनी पड़ेगी तो दोनों बातें कवर होनी चाहिए सेकेंड एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन इंस्पेक्ट विदाउट फी एंड एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग क्रेडिटर कैन इंस्पेक्ट ऑन पेमेंट ऑफ सच फी इसमें देखिए क्रेडिटर्स को भी विदाउट फी होना चाहिए था सी है एनी वन कैन इंस्पेक्ट ऑन पेमेंट ऑफ सच फी मेंबर और क्रेडिटर्स के लिए तो विदाउट फी है तो लास्ट ऑप्शन है कि एनी मेंबर और क्रेडिट ऑफ द कंपनी कैन इंस्पेक्ट विदाउट फी एंड एनी अदर पर्सन कैन इंस्पेक्ट ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज फिक्स बायनी तो ये एग्जैक्ट सही ऑप्शन है सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट क्वेश्चन थ्री ये है कि ऑरेंज इंटरनेशनल एसोसिएशन हैज बीन फॉर्मड एज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हाउ व ड्यू टू नॉन कंप्लायस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन द कमीशन रिवोक्ड इट्स लाइसेंस तो जिसे हम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी कहते हैं और चैरिटेबल कंपनीज भी कहते हैं on 11 march 2022 oia's board has completed all the compliance related to the revocation of the license which of the following date would be the latest date of filing the compliance report to the restor requirement the time hai ke compliance of the requirement mentioned above the board of company shall file within 15 days from the date of such compliance jab bhi compliance the report jo hai, compliance ki report jamakarmani तो हमारे पास जो डेट है वो है इलेवन मार्च इससे विद इन फिफ्टीन डेज जो बनेंगे वो बनती है ट्वेंटी फिफ्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की डेट सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट क्वेश्चन फोर देखते हैं असदुल्ला एंड अनस आर इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी एंड दे हैव सेलेक्टेड द नेम ग्रीन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एज द नेम ऑफ प्रोपोज कंपनी ऑन फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दे अप्लाई टू द रिस्टार फॉर रिजर्वेशन ऑफ द सेड नेम द प्रोपोज नेम कैन बी रिजर्व विद दर स्टार अप टू इसमें जो लॉ के अंदर है वो मैक्सिमम सिक्सटी डेज तक के लिए आप उसको रिजर्व करवा सकते हैं तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट मार्च में सिक्सटी डेज ऐड कर देते हैं So, हमारे पास जो डेट बनेगी वो बनेगी ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल कैसे थर्टी वन डेज मार्च के और उसके बाद जो है ट्वेंटी क्वेश्चन फाइव है कि द रजिस्ट्रार हैज नॉट रिसीव्ड एनी इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज फ्रॉम द कंपनी हे मे स्टिल एंटर इन द रजिस्टर चार्ज द मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर्ड चार्ज ओनली व रजिस्टर कब ऐसा कर सकते हैं तो रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो विदाउट इंटीमेशन भी सैटिस्फेक्शन कर सकते हैं लेकिन आ, उसमें जो रूल है वो क्या है कि ऑन एविडेंस बींग गिवन टू हिस्सिस्फेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी रजिस्टर्ड चार्ज उनको कोई ना कोई उसका एविडेंस प्रोवाइड किया गया हो कंसर्ट बैंक इन्फॉर्म टू द रिस्टार ये तो इंटरेस्टेड पार्टी करवा सकती है फाइनल पेमेंट ऑफ डेट है भी जरूरी नहीं है रजिस्टार है उनके पास एविडेंस हो दैट द डेट हैज बीन पेड सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन सिक्स है कि पर्पल लिमिटेड इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ बेजेंटियम लिमिटेड

तो वैसे तो रिक्वायरमेंट ये है कि एक कंपनी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो अपने नाम पर रखे लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन ये है कि कंपनी में होल्ड एनी शेयर इन इट्सिडरी कंपनी इन द नेम ऑफ एनी नॉमिनीज ऑफ द कंपनी इफ़ इट इज नेसेसरी टू डू सो टू इंश्योर दैट कि नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सब्सिडरी जो है ना वो रिड्यूस बिलो स्टैचूटरी लिमिट ना हो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बीएल uh, खुद एक शेयर होल्डर है मेंबर है काशिफ सेकंड शेयर होल्डर बन जाएंगे जाहिर थर्ड शेयर होल्डर बन जाएंगे तो इस तरह से क्योंकि पर्पल लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है इसके नाम में देखें प्राइवेट नहीं आ रहा तो ये तीन मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट इस तरीके से पूरी हो जाएगी तो इसी एक्सेप्शन को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया होगा तो दे कुड अटेंड पीएल्स जनरल मीटिंग अच्छा जनरल मीटिंग के लिए तो प्रॉक्सी वाला फॉर्म भी है और भी रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट किया जा सकता है तो ये क्राइटेरिया नहीं है कु लुक आफ्टर पीएल अफेयर टू प्रोटेक्ट बी एल द इंटरेस्ट वो तो वैसे ही जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं डायरेक्टर्स अपनी मर्जी के द नंबर ऑफ पीएल मेंबर शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट्यूटरी लिमिट तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्वेश्चन सेवन है कि वेर आर डायरेक्टर हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल विदाउट ऑप्टेनिंग

अच्छा अब इसमें जो बात है कि यहाँ पर एक डायरेक्टर है शेयर होल्डर्स का अप्रूवल वैसे तब चाहिए होता है जब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो है इन्वॉल्व हों रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में तो इसको बोर्ड भी अप्रूव कर सकते हैं और शेयर होल्डर भी अप्रूव कर सकते हैं दोनों कर सकते हैं सो so, हमारा ऑप्शन होगा बी कि इधर बाय द डायरेक्टर्स इन देयर मीटिंग और बाय द शेयर होल्डर्स इन देयर मीटिंग दोनों कर सकते हैं याद रखें कि अगर ये मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते तो फिर हम सिर्फ शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव कर सकते फिर उसे डायरेक्टर्स अप्रूव ना कर सकते क्वेश्चन एट है कि इनकेस तोहफा चीफ एक्जेक्टिव इज एंड माइनर ब्लैंक है चीफ एक्जेक्टिव इज एंड इन चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड टू इंगेज इन द बिजनेस विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी इन विच इज चीफ एक्जेक्टिव और विद द बिजनेस ऑफ एनी ऑफ इट सब्सिडी कंपनी अच्छा इसमें जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो अल्फाज हैं पब्लिक कंपनी के सो पहला ऑप्शन है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट तो ये तो एवरी कंपनी बन गई दूसरा है पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट तो दैट इज करेक्ट थर्ड है लिस्टेड कंपनी ओनली और फिर होल्डिंग कंपनी तो जो लॉ के प्रॉपर वर्डिंग है वो पब्लिक कंपनी है लिस्टेड कंपनी भी पब्लिक होती है लेकिन जो अनलिस्टेड पब्लिक है उनके ऊपर भी रूल अप्लाई होगा तो अप्रोप्रिएट आंसर सिर्फ ऑप्शन बी बनता है क्वेश्चन नाइन है कि फल्ट्रेशन इन शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ अ क्लास ऑफ मेंबर्स इट शैल बी कैरीड आउट ओनली इफ इट इज अप्रूव्ड बाय तो अगर शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर इनफैक्ट ये बात हो रही है कि क्लास राइट्स को चेंज किया जा रहा है क्लास ऑफ शेयर कैपिटल वगैरह को चेंज किया जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में लॉ की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल्स को वैसे तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन से चेंज कर सकते हैं लेकिन जब आर्ट अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स हो रही हो जिससे सब्सटेंटिव राइट्स एंड लाइब्रिटीज ऑफ मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर चेंज हो रहे हो तो ओनली इफ अ मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट थ्री फोर्थ ऑफ द मेंबर और क्लास ऑफ द मेंबर अफेक्टेड बाय सच अल्ट्रेशन वो भी उसकी फेवर में वोट देंगे तो फिर वो अल्ट्रेशन हो सकेगी वरना नहीं हो सकेगी तो ऑप्शन ये है कि मेंबर्स हैविंग थ्री फोर्थ मेजोरिटी इन जनरल मीटिंग इन प्रेजेंट इन पर्सन और थ्रू ये तो जनरल मीटिंग में तो सारे मेंबर्स आ गए हमें अफेक्टेड वाले की बात करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड देन रेटिफाइड बाई एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ अफेक्टेड क्लास तो अफेक्टेड क्लास का सेवेंटी फाइव परसेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से जरूरी नहीं होता थर्ड है एटलीस्ट थ्री फोर्थ मेजोरिटी ऑफ द क्लास ऑफ मेंबर्स अफेक्टेड बाय सच आल्ट्रेशन ये करेक्ट होगा और लास्ट वन जो है वो सिर्फ है कि क्लास ऑफ मेंबर नॉट अफेक्टेड बाय सच आल्ट्रेशन तो जो अफेक्ट नहीं हो रहे वो तो वैसे ही उनको मसला नहीं है तो जो अफेक्ट हो रहे होते हैं उनसे अप्रूवल लेने की जरूरत होती है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन टेन है कि द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी शैल बी ऑथेंटिकेटेड ऑन बिहाफ ऑ ऑ ऑ ऑफ द बोर्ड बाय अच्छा अनलिस्टेड कंपनी है तो इसमें चीफ एग्जेक्टिव और वन डायरेक्टर की जरूरत होती है लिस्टेड कंपनी हो तो सी एफ ओ को भी शामिल करना होता है सो so, पहला जो ऑप्शन है कि एटलीस्ट वन डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जैक्टिव ऑफिसर यही करेक्ट ऑप्शन है फिर है एनी डायरेक्टर और द सी ओ और नहीं है एंड होना चाहिए एटलीस्ट वन डायरेक्टर एंड द सी एफ ओ CFO जो रिक्वाड है वो सिर्फ है चीफ फाइनेंशियल ऑप्शन ए वु क्वेश्चन इलेवन है कि लेवेंडर लिमिटेड हैज ग्रांटेड लॉन्ग टर्म लोन ऑफ रुपीज टेन मिलियन टू इट्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अगेंस्ट विच ही अच्छा निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट को जो है ना वो मॉडगेज और चार्ज कंसिडर नहीं किया जाता लॉ के मुताबिक तो इस हिसाब से हम इसको आंसर देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ अब सिक्योरिटी अंडर द कंपनीज एक्ट क्योंकि इसे मॉडगेज और चार्ज ही क्रिएट नहीं किया जाता तो इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी होगी ऑप्शन ये है कि निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ मॉडगेज और चार्ज एंड डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट अबव टेन मिलियन इज रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड लॉ में कोई ऐसी लिमिट डिफाइन नहीं है कि जी अमाउंट कितनी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडगेज और चार्ज के लिए तो ये टेन मिलियन तक या उससे ऊपर ये ऐसी कोई बात भी करेक्ट नहीं है निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इज एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी इट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड लॉ तो क्लियर कह रहा है कि जी उसको मॉडगेज और चार्ज क्रिएट नहीं करना सो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन ट्वेल्व है कि क्रेडिटर्स ऑफ टॉप लिमिटेड हैव फाइल्ड इन द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ टीएल ऑन ग्राउंड ऑफ इंसॉल्वेंसी यानी कंपनी अनएबल टू पे इट्स डेट

एंड प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी इसका मतलब है कि एक्चुअल लाइबिलिटीज को भी कंसिडर एक्चुअल लाइबिलिटीज तो ऑब्वियस है कि कंसिडर करेंगे लेकिन इवन कंटिजेंट और प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज को भी कंसिडर करेंगे अब यहां पर इंप्लाइड है कि जो एक्चुअल करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज है वो भी कंसिडर होंगी सो पहले वाले में करंट एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ टी एल ऑनली ये ऑनली का मसला है दूसरे में नॉन करंट एंड प्रोस्पेक्टिव इसमें कंटीजेंट नहीं लिखी हुई कंटीजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव इसमें एक्चुअल शामिल नहीं है तो डी ऑप्शन है कि करंट नॉन करंट कंटिजेंट प्रोस्पेक्टिव यानी एक्चुअल लाइबिलिटीज भी कंटीजेंट भी प्रोस्पेक्टिव भी तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड कंप्रीहेंसिव स्टेटमेंट है इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट कंसीडर होगा क्वेश्चन थर्टीन है कि पब्लिक कंपनी में बी द कोर्ट इफ किन सिचुएशन में कर सकते हैं इफ़ इट इज कंडक्टिंग बिजनेस इन अ मैनर ओप्रसिव टू इट्स माइनॉरिटी मेंबर्स ये बिल्कुल लॉ के अंदर क्राइटेरिया गिवन है कि अगर वो अपने माइनॉरिटी मेंबर्स को ओप्रेसिव मैनर में ट्रीट कर रहे हैं जो यहाँ पर मतलब है माइनॉरिटी मेंबर्स का कि टेन परसेंट इक्विटी शेयर कैपिटल को कम से कम वो होल्ड करते हों या वो परसेंट जो फॉर्मेशन और प्रोमेशन ऑफ कंपनी में इन्वॉल्व थे तो फिर ये क्राइटेरिया है जिस पर माइंड अप किया जा सकता है दूसरा जो इसलिए ऑप्शन ए ठीक होगा दूसरा जो है इट हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग एनी स्टेचुटरी रिटर्न विद द स्टार्फ इसमें कंजेक्टिव पीरियड का होता है कि जो है ना वो उस दो कंजेक्टिव पीरियड हैं तीन कंजेक्टिव पीरियड इस तरह के हैं तो एक सिंगल स्टेचुटरी रिटर्न की वजह से वाइंडिंग अप नहीं होती फिर द नंबर ऑफ इट्स डायरेक्टर इज रिड्यूसड बिलो थ्री इसमें एक फिर टाइम पीरियड भी है जिसके लिए वो बिलो रहा हो तो फिर जाकर वो क्राइटेरिया बनेगा वरना नहीं डिफॉल्ट इन एप्लीकेबल इन पाकिस्तान है इंडिगो लिमिटेड इज पब्लिक कंपनी विच होल्ड सिक्सटी परसेंट शेयर इन न्योन लिमिटेड विच मीन की न्यून लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आई एल एंड एन एल एंड ऑन थर्टी जून एंड थर्टी फर्स्ट दिसंबर रिस्पेक्टिवली तो कोइंसाइड नहीं करते वैसे तो ये मैच करने चाहिए लेकिन यहां पे मैच नहीं कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इस पर लॉ पहले सामने रख लेते हैं लॉ की रिक्वायरमेंट यह है कि बोर्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी शेल इंश्योर दैट फाइनेंशियल ईयर एंड ईच ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड ईच ऑफ इट्स सब्सिडीज को एक्सेप्ट जहां पर गुड रीजन हो और कमीशन जो है ना वो फैसिलिटेट कर देगा होल्डिंग कंपनी को भी कर सकता है और सब्सिडरी को भी कर सकता है कि ताकि वो अपना पीरियड एक्सटेंड करके अपना पीरियड मैच कर लें या तो सब्सिडरी चेंज करके होल्डिंग के साथ मैच कर ले या होल्डिंग कंपनी एक्सटेंड करके सब्सिडरी के साथ मैच कर ले तो पहला ऑप्शन है कि बोर्ड ऑफ एनएल शेल इंश्योर एनएल तो सब्सिडरी है बोर्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी ने इंश्योर करना होता सब्सिडरी कंपनी ने नहीं करना होता तो नॉट करेक्ट में हमारा ऑप्शन ए यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यह स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है ऑप्शन करेक्ट है स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है अच्छा बाकी स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं बोर्ड ऑफ आई एल शैल इंश्योर यस होल्डिंग कंपनी शैल इंश्योर कमीशन मे ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम आई एल उसका फाइनेंशियल ईयर जो है ना एक्सटेंड कर सकते हैं बिल्कुल होल्डिंग uh, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड किया जा सकता है कमीशन ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम एनएल एक्सटेंड इट्स फाइनेंशियल ईयर टू थर्टी जून तो याद रखें ये भी ठीक है फाइनेंशियल ईयर होल्डिंग का भी एक्सटेंड हो सकता है सब्सिडरी का भी एक्सटेंड हो सकता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के फाइनेंशियल ईयर को इन करना चाहिए ये होल्डिंग कंपनी के बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सो so इसलिए ऑप्शन ए जो है उसको हमने सेलेक्ट किया बिकॉज दैट इज नॉन करेक्ट वहां पे सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंशन की गई है लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्रिमसन लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टेटमेंट ऑफ सीएल फॉर द क्वार्टर एंडेड इट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आर थर्टियत जून को ईयर एंड होता है तो पहला क्वार्टर एंड होता होगा इनका थर्टियत सेप्टेंबर को सेकेंड क्वार्टर थर्टी फर्स्ट डिसंबर को थर्ड क्वार्टर थर्टी फर्स्ट मार्च को तो ये थर्ड क्वार्टर अब सिमिलर एग्जाम्पल जो है वो क्योंकि स्टडी टैक्स में मौजूद है लॉ के मुताबिक तो उसी को हम बेस बना लेते हैं कि अगर आपका जो थर्ड क्वार्टर है वो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी को एंड होता है तो विद इन थर्टी डेज आपको uh, जो है रजिस्ट्रार के पास डिस्पैच भी करना होता है अपने मेम्बर्स को और रजिस्ट्रार के पास भी आपने जो सबमिट करवाना है वो थर्टी डेज में करना है तो डेट जो इसमें बनेगी वो थर्टियत अप्रैल बनेगी सो अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद द स्टार ऑन और बिफोर थर्टियथ अप्रैल वाला ऑप्शन लेंगे ना फिफ्टीन अप्रैल ना थर्टियथ में और जो डी है नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद द स्टार ये गलत है क्योंकि जब मेंबर्स को डिस्पैच करते हैं तो रजिस्ट्रार के पास भी आपने सबमिट करवाना होता है सो दैट्स ऑल फॉर हैव अ गुड डे